नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। कैश में अगर हम लोग लोन लेते हैं ना, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना जब हम लोग को करना पड़ता है, हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर ने बताया कि सर हमने कैश में लोन लेकर फंस गए हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैश में लोन लेकर अगर आप फंस चुके हो, अच्छा ये लोन किससे लेना है, कैश से किससे लिया है आपने? कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई जानने वाला हो सकता है, दोस्त का दोस्त हो सकता है, जो आपको उस समय नहीं पता था कि ये फाइनेंसर जैसा आदमी है या फिर ये साहूकार जैसा काम करता है, आपको पता नहीं था और आपने उस समय लोन ले लिया। आप जैसे लोन शार्क बोलते हैं ना, तो लोन शार्क जैसा बंदा जो एकदम पूरा लूट ले, परेशान कर ले। लेकिन आज के दिन में बड़ा अच्छा, पहला दिन बहुत अच्छा व्यवहार, क्योंकि अच्छा क्लाइंट हर कोई खोजता है। आपको हो सकता है उस समय मजबूरी रही होगी, आपको उस समय सामने वाले ने पैसा जुगाड़ करके दिया, आपके फ्रेंड हो चाहे रिलेटिव हो, और आप तैयार हो गए कि नहीं सर मुझे आज जरूरत है, आप बहुत देर है मुझे जरूरत के समय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम से निकलने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आप खुद तैयार हुए थे, आप खुद मुसीबत में थे, सामने वाला किसी तरीके से आपकी मदद किया, तो सबसे पहली बात यह कि प्लीज उसका लोन चुकाना चाहिए। अगर वो अननेसेसरी कुछ डॉक्यूमेंट में गलती करे या फिर आपसे ज्यादा पैसा ले, या कौन कौन से कंडीशन में आप बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए या प्रॉब्लम से निकलने का आइडिया खोजना चाहिए, वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात आपको बता दूं, तीन चार कंडीशन कि जो लोन कैश में लेने वाला फंसता है। सबसे पहली बात ये कि कैश में आपने लोन तो लिया लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, ये पहला कंडीशन हो गया, राइट। दूसरा, कैश में आपने लोन तो लिया लेकिन उसके बदले आपने चेक दिया, ब्लैंक चेक। अब ब्लैंक चेक आपने दिया ना, तो सामने वाला बोलता है कि सर मैं इसी चेक को यूज करके ज्यादा पैसा भर के, आपको परेशान करके, आपके ऊपर केस करके, मैं आपसे ज्यादा पैसे वसूल करूंगा और आप कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे। तीसरा चीज ये कि आपने क्या किया, जो लोन है, लोन के बदले में कोई प्रॉपर्टी उसको गिरवी रख दी या प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए, ऐसा कुछ आपने कर दिया। तो प्रॉपर्टी का पेपर अगर आपने दे दिया तो वहां पर भी फंसने वाली बात है, क्योंकि वहां पर फंस रहे हम लोग। चौथा चीज ये कि हमने जो कैश में लोन लिया उसके बदले एग्रीमेंट किया कोई, कि भाई ये पैसे मैंने लिए हैं, और जो भी एग्रीमेंट, प्रॉमिसरी नोट वगैरह आपने दिया है वो आपने दे दिया। ये चार तरीके से लोग फंसते हैं। अच्छा, फंसते अभी नहीं है, लोन लेते समय कोई नहीं फंसता, लेकिन चुकाने का जो प्लानिंग हमारा रहता है, वो प्लानिंग अगर सक्सेस नहीं होता है तो फिर हम लोग फंसने वाले रहते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, अलग अलग जगह पे इनकम टैक्स में और दूसरे जगह पे कैसे इस पे सॉल्यूशन निकल सकता है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले। सबसे पहला पॉइंट ये कि सेक्शन 269 इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार 20,000 या उससे ज्यादा का कैश लोन लेना और कैश लोन रीपेमेंट करना डिसअलाउड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा दे रहा है उसको भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई ये 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन है और वो कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर रहा है, वो केवल पैसा देने का बिजनेस अगर कर रहा है तो फिर वो परेशानी आने वाली। क्यों? क्योंकि 269 वाला केस का जो रिवर्स फॉलो बैक है वो उसके ऊपर में भी जाएगा, क्योंकि जो लोन लेता है उसको बहुत ज्यादा पता नहीं होता। तो ये पहला पॉइंट आपके फेवर का हो गया। दूसरी बात ये कि आरबीआई के एक्ट में लिखा हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया में अगर किसी को फाइनेंस का बिजनेस करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो पहला चीज क्या है, वो फाइनेंस का बिजनेस करता है, दूसरा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, और बिना लाइसेंस के अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको पैसा वसूल करने का अधिकार नहीं है। लेकिन सर वो पैसा तो दिया है, पैसा तो हमने लिया है, लिया होगा उस पर कोर्ट का केस चलेगा, लेकिन इलीगल तरीके से दिया, ये सामने वाले का समझ में आने वाला है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक और एक्ट है, वो एक्ट के अनुसार में कहीं पर भी अगर अनलॉफुल इंटरेस्ट आप ले रहे हो, जो कि मार्केट रेट से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अनलॉफुल इंटरेस्ट का मतलब ये, अगर मार्केट में 10% चल रहा है तो 10% नॉर्मल है, आप 20% ले रहे हो, मार्केट में 2% चल रहा है तो 2% नॉर्मल है, आप 10% ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसके अगेंस्ट में भी हमारा कोर्ट और हमारा लॉ स्टैंड करता है, उनको परेशानी होने वाली है। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं कि अगर वो गलत तरीके से पैसा वसूल करने का प्रयास करेगा, धमकी देगा, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, आपको अलग अलग रिकॉर्डिंग रखने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आजकल सबके पास रिकॉर्डिंग है, फोन की रिकॉर्डिंग कर लो। अगर आपका दुकान मकान में वो आने का कोशिश करता है तो आजकल 4,000-4,500 रुपए में मोबाइल से कनेक्टेड आपको
सीसीटीवी मिल जाएगी, सीसीटीवी डायरेक्ट लगेगा, कहीं पर भी आप रहोगे मोबाइल से कनेक्टेड आपको दिखेगा कि वो बंदा आया, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आप उसको प्रूफ के रूप में दिखा सकते हो और गलत तरीके से काम करने के हिसाब से उनको लीगल कार्यवाही हो सकती है। इसके अलावा आपको एक और चीज बता दूं, आप ये देखो कि सामने वाला क्या काम करता है, क्या उसका ये धंधा सामने दिखाने का है, क्योंकि ये तो कच्चे में उसने दिया है, कच्चे मतलब कैश में दिया है, तो कैश वाली चीजें सिर्फ दिखाने की है लेकिन बिजनेस कोई और करता है, तो ये 1,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए, 50,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए उसने दिए, उसको सोर्स बताना पड़ेगा। अगर आप इनकम टैक्स में उनके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट कर देते हो या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट है, EOWED ऐसे बहुत सारी, ये बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट का बात भूल जाओ, आप इनकम टैक्स याद रखो, पुलिस थाना याद रखो, कोर्ट याद रखो, सिंपल याद रखो, ज्यादा टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है। और आप सामने वाले को बोलते हो कि सर देखो मैं परेशान हूं, आप सच बोलो, मैं परेशान हूं, ये 6 महीने नहीं दे सकते या उसके ज्यादा नहीं दे सकता, जिस समय मैंने लिया था उस समय आपने 10 गुना ज्यादा ब्याज लगाने का प्रयास किया, मैंने फिर भी 5 महीने दिया है, तो अब मैं केवल मार्केट रेट का ब्याज ही दे पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए आप क्या करो, आप मुझे समय दो और मैं सही तरीके से चुकाना चाहता हूं, फिर भी नहीं मान रहा है, आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो। ये सारी प्रक्रियाएं आपको हमेशा बचाती है। अच्छा, एक जगह पे आपको डर लगता है, सर मेरे सारे व्हाट्सएप में और कॉलिंग में मैं ये माना हूं कि मैंने पैसे लिए, तो फिर अब से आप ये समझ लो कि अगर आपने पैसे लिए हैं और आपको लग रहा है विवादित है और किसी न किसी तरीके से सामने वाले की तरफ से कोई इलीगैलिटी है, तो आप फोन पे भी डिस्प्यूटेड अमाउंट की बात करो, हाँ मैंने वो अमाउंट लिया, ऐसा नहीं, मैंने जो अमाउंट लिया है वो डिस्प्यूटेड है, आपने मुझसे ज्यादा लिया है, आप याद रखो हर डायलॉग रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन फिर से मैं आखिरी में बताना चाहता हूं, ये सारी चीजें आपको बचाने के लिए और सामने वाले को रोकने के लिए, आज का वीडियो केवल कैश वाले लोन के लिए, इसीलिए दोस्तों आप किसी से अगर गुड फेथ में पैसा लेते हो जरूर वापस करो, कुछ गड़बड़ है, वीडियो को चेक करो और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।